ये जो चुनाव होने जा रहा है ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दयाशंकर जी बताइए कहाँ है। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहाँ के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएं। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सरातू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से आप वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि उन्हें जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी, हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी पे लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने, 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई? इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है, ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? हमारा किसान के अगर दो बेटे और एक बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को,